हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गड्डी वाला में। मैं हूँ राहुल और आज हम बात करने वाले हैं अप्रिलिया के बारे में। अप्रिलिया ने अपनी एक नई बाइक को, जो कि काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे, उससे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे शोकेस कर दिया है। तो वो बाइक जल्द ही लॉन्च भी हो जाएगी इंडियन मार्केट में, तो उसी के बारे में आज बात करें। कौन सी बाइक है और क्या इंजन स्पेसिफिकेशन होने वाली है, क्या प्राइस होने वाला है बाइक का और कब तक लॉन्च होने वाली है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल में जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बाइक का नाम बता देता हूँ। बाइक है अप्रिलिया टूनो 125, जिसे अप्रिलिया ने लास्ट ईयर आटो एक्सपो हुआ था 2018 में, तब शोकेस किया था इंडिया में। और उसके बाद ये रूमर्स थे कि बाइक लॉन्च हो जाएगी, तो अप्रिलिया ने बाइक लॉन्च नहीं की। बट अब अप्रिलिया ने इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे इस बाइक को शोकेस कर दिया है, और ये एक्सपेक्टेड लगाया जा रहा है कि जल्द ही बाइक थोड़े टाइम में लॉन्च कर देगा अप्रिलिया अपने इंडियन मार्केट में। तो कुछ स्पेसिफिकेशन सामने निकल के आ रही है, तो वो मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। जो इंजन स्पेसिफिकेशन है वो इस प्रकार है। 124.2 सीसी का आपको इसमें इंजन मिलने वाला है। सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक, लिक्विड कूल्ड, इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन, फोर वाल्व, BS6 कंप्लाइंट आपको इंजन मिलेगा, जो कि पावर जनरेट करेगा 15 PS की एट 10,500 RPM में, और साथ ही साथ टॉर्क जनरेट करेगा 11 Nm की एट 8,250 RPM में। और इसमें आपको 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो इसमें चेसी या फ्रेम यूज़ किया गया वो एल्यूमिनियम पैरामीट्री फ्रेम यूज़ किया गया है, ताकि इस बाइक का वेट कम से कम हो और ताकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल सके। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो इसमें सस्पेंशन भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अप फ्रंट में आपको मिलता है अप साइड डाउन फोर्क सस्पेंशन, और रियर में मिलता है आपको मोनोशॉक अब्जॉर्बर। अगर हम बात करें ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसमें आपको। डुअल डिस्क ब्रेक मिलती है आपको। फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क मिलता है, स्टेनलेस स्टील का डिस्क मिलता है, जिसमें आपको 4 पिस्टन कैलिपर, रेडियल कैलिपर ब्रेक मिल जाते हैं। और रियर में आपको 218 mm का स्टेनलेस स्टील डिस्क मिल जाता है, और सिंगल पिस्टन आपको कैलिपर मिल जाता है। और जो ABS है वो बोश का यूज़ किया गया है, 9.1 mL ABS यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है स्पोर्ट्स बाइक के लिए। तो इसमें अप्रिलिया ने दिया है, तो इसमें आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है बाइक। और जो ये बाइक है अप्रिलिया टूनो, वो डायरेक्टली टक्कर देगी KTM की ड्यूक 125 और KTM की RC 125 को, और प्राइस में भी और परफॉर्मेंस में भी, क्योंकि जो KTM है उस ड्यूक है उसकी जो पावर है वो 14.5 है और अप्रिलिया की 15 PS है, तो उससे 0.5 आपको ज़्यादा ही कहते हैं पावर मिलने वाली है, तो परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और अगर हम बात करें लुक्स की, डिज़ाइन की, तो अप्रिलिया टूनो 125 का जो लुक और डिज़ाइन इंस्पायर है वो अप्रिलिया की फेमस V4 1100, जो अप्रिलिया की स्पोर्ट्स बाइक है उससे इंस्पायर्ड है। अगर हम बात करें सीट हाइट की, इसमें आपको 810 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा, जो कि आपको रिवर्स में 4 लीटर मिल जाएगा। अब हम बात करें अप्रिलिया के प्राइस की, तो इसका जो प्राइस होने वाला है इंडियन मार्केट, वो एक्सपेक्टेड प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, और अभी जो रियल प्राइस है वो अप्रिलिया ने रिवील नहीं किया है। एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,20,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। एक्सपेक्टेड जो लॉन्च डेट है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अप्रैल या मई में लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि अप्रैल ने शोकेस तो कर दिया है और जल्द ही, क्योंकि अब मार्च चल रहा है, तो मार्च BS4 के लिए लास्ट ईयर मतलब मंथ है, उसके बाद BS6 हो जाएगा, तो आपको टूनो BS6 इंजन के साथ मिलेगी। बाइक काफ़ी अच्छी है देखने में, और बाइक के अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो फ्रंट में आपको 3 हेडलैम्प कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है, जो कि हैलो गन में शोकेस किया गया है इमेज में भी, और जो इसकी वीडियो है उसमें भी। अगर हम बात करें BS6 के साथ, तो उसमें आपको LED मिल सकता है, बट अभी कोई कंफर्म नहीं है कि उसमें आपको LED आएगा कि नहीं आएगा। और जो डिज़ाइन है पूरा का पूरा, वो मैंने आपको पहले ही बताया, अप्रिलिया की काफ़ी फेमस जो स्पोर्ट्स बाइक है उससे इंस्पायर्ड है, तो बाइक देखने में काफ़ी अच्छी है ओवरऑल। और अब बस वेट इसी बात का होगा कि बाइक कब लॉन्च होती है इंडिया में, और आपके लिए मैं पूरी वीडियो बना दूंगा जैसे ही बाइक लॉन्च होगी। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं, और बाइक कैसी लगी स्पेशली, और बताएं कि KTM को टक्कर दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी एज तौर पे, डिज़ाइन के तौर पे, और अपनी राय जरूर दें नीचे कमेंट पे, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।